हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। आज ये पार्ट टू है। इससे पहले ऑलरेडी हमने रीजनिंग वाले सेक्शन को कवर कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं किया था उसका लिंक इस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और कीजिए। और अपने स्कोर आपके 40 में कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको हम तक जरूर साझा कीजिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए कि आपके कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन जो हमारे सामने रखा है बोला है कि एलसीएम बताना है, द एलसीएम ऑफ 25, 45 एंड 75। इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं 25, 45 एंड 75। देखिए इसका एलसीएम निकालोगे, तीन से कटाओगे 25, 15, 25। ठीक, तीन से कटाओगे 25, 5, 25। पांच से कटाओगे 5, 5, 25, 1, 5। पांच से कटाओगे 1, 1, 1। 5, 5, 25 या 75, 75 में तीन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 225। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर आपको पता है 1, 2, 3, 4 हो गया। इसको कटाओगे 2 से 500, 250, 125, 25, 5। यानी देखा 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक, ये नहीं होगा क्योंकि कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट है, इसलिए तीनों ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। देखिए बोला इफ द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 180 इज 36 देन एलसीएम। आपको फार्मूला पता है, पढ़ाया गया है, बताया है आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू का सेकेंड नंबर, ये बताया गया है। आप देखिए नंबर कितनी दी है 72 इंटू 180 और इसका एल सी एम कितना दिया है 36 इंटू एल सी एम। तो एल सी एम हो जाएगा 70 इंटू 180 अपन में 36। ये बात आपकी ये पांच बार में यहाँ से ये क्या होगी, ये 72 है, ये दो बार में कट जाएगा 72, दो से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 180 इंटू 2 यानी 360 आंसर आएगा इसका। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक ना, आपको पहले पता है क्या करते हैं हम लोग, ऑफ करते हैं, उसके बाद डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन फिर मल्टीप्लाई। इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 35/17 डिवीजन का 7/10 इंटू का इसको करोगे 33 एकम 33 34/33। इसको सॉल्व करो हो जाएगा 35/17 इंटू 10/7 इंटू 34/33। इसको चाहो तो हम लोग यहाँ कटा सकते हैं, 17 दूनी का 34 और ये आपका कट जाएगा 7, 5, 35 और नीचे बस ये 33 बचा है, ऊपर हो जाएगा 50, 50 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 100/33 यानी 3 होल 1/33। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसमें बोला है, बोला कि ट्रेन स्टार्ट 2:15 PM फ्रॉम द स्टेशन एट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम विल इट रीच द अदर स्टेशन 90। देखो आपको पता है, पहले आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इसको कितना जाना है 90 किलोमीटर, स्पीड कितना है 72, इसको कटा दो 18 से 18, 5, 90, 18, 72 यानी 5 होल 1/4 यानी 1 होल 1/4 यानी 1 आवर 1/4 का मतलब समझ रहे हो कितना मिनट, 15 मिनट। ठीक ना, 1/4 आवर का मतलब कितना होगा, 15/60 को 1/ ऐसे लिख सकते हो 1/4, 1 घंटा 15 मिनट। यानी इसमें जब 1 घंटा 15 मिनट ऐड करोगे 2:15 पे 1 घंटा 15 मिनट ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3:30 PM, आपका हो जाएगा 3:30 PM। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ हॉल इज 23 मीटर।
मान लेते हैं लेंथ बड़ा है ब्रेथ छोटा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ हॉल इज 206 मीटर देन एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द हॉल इन स्क्वायर मीटर। देखो लेंथ बड़ा है तो ब्रेथ मान लिया कितना है एक्स है, तो लेंथ कितना हो जाएगा एक्स प्लस 23, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 23 मीटर। अब पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, दो ब्रैकेट में एल प्लस बी, पेरीमीटर दिया है इसको रख दो 206 के इक्वल, दो ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 23 प्लस का एक्स इक्वल टू 206। ये आपका एक्स एक्स ऐड करोगे 2x प्लस का 23, इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाके इससे डिवाइड हो जाएगा तो 103, तो 2x इक्वल टू 103 माइनस का 23, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 080, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो ये बताओ x का मान कितना हो गया 40, तो ये आपका हो जाएगा 40 मीटर, ये आपका 40 प्लस 23 कितना हो जाएगा 63 मीटर। स्क्वायर मीटर में आपको क्या बताना है, एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ कितनी आई है हमारे पास 63 और ब्रेथ कितना है 40, मल्टीप्लाई कर दो 0 4 3 12 4 6 24 1 25, 25 20 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको क्या करना है इक्विवेलेंट बताना है किसके इक्विवेलेंट है। ये सेम क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी आया था जो पिछले साल हुआ था, इसको तो मान लो 12 लिख दोगे पॉइंट 1 में, जब इसको डिवाइड करोगे 1 में इसको डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 अभी भी नहीं जाएगा, तो एक और 0 लगाओगे 0, 16 6 96, 10 में 6 हो जाएगा 4, कट जाएगा 0, 16 2 32, 16 5 80, कितना आ जाएगा 12.0625, इसका राइट आंसर होगा 12.0625 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन हाउ मेनी ईयर विल 1500 अमाउंट टू बी 1800, ऐड देखो अमाउंट कितना दिया है 1800, प्रिंसिपल कितना दिया है 1500, एसआई निकाल दोगे सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, 1800 माइनस का 1500 ये आपका हो जाएगा 300, और रेट दिया है हमारे पास कितना है 8%, और क्या प्रिंसिपल दिया ही है हमारे पास। अब हमको बताना है टाइम, आपको पता है एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो रख दो एस आई कितना आया है 300, प्रिंसिपल कितना है 1800, रेट आपका 8 है इंटू टी अपन में 100, ये से ये क्या होगा कट जाएगा 18 बटे 144, 300 बटे में 144, इसको कटाओगे 150 बटे में 72, इसको कटाओगे 75 बटे में 36, ये आपका हो जाएगा 36 2 होल 2 बाई 36 2 72 3 बटे में 36 यानी 2 होल 1 बाई 12, यही आएगा ना। देखो क्या आ रहा है हमारे पास एक्चुअल में आया क्या है 18 बटे 144 बटे में, और ये आपका है पी आर टी 144, ये आपका हो जाएगा 18 बटे 300 बटे में 144, 300 अपन में 144, इसको कटाओगे तो 100, इसको कटाओगे 72, इसको कटाओगे 50, ये आपका 36, ये आपका 25 बटे 18, 25 बटे 18 का मतलब आप समझ रहे हो एक होल 7 बटे 18, ठीक ना। चलो एक बार और इसको देख कर करके देखते हैं क्या आ रहा है, और थोड़ा सा इरेज कर दें इसको। देखो इन्होंने क्या दिया है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गया है, हमारे पास ये भी हमको पता है कि एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी, ये पता है एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट कितना है 8%, टाइम हमको निकालना है अपन में 100, 18 में से 1500 जाएगा कितना आएगा 300, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 0 से 2 0 यहीं कटा देते, अच्छा वो 15 बटे 120, 300 बटे में 120 ये कट जाएगा तो हो जाएगा 30 बटे 12, इसको कटाओगे 15 बटे 6, इसको 3 5 15 2 6 यानी 2 होल 1 बाई 2, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और डिक्रीज 20% इन द प्राइस ऑफ अ साइकिल
इंक्रीज इट्स डिमांड बाई 20%, द इफेक्ट ऑन द सेल्स शॉप इज, सेल्स शॉप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो मानते हैं 100 रुपये की क्या है साइकिल है, 20% डिक्रीज कर दिया गया तो कितना हो गया 80 रुपये की साइकिल हो गई। उसकी डिमांड इंक्रीज इट्स डिमांड बाई 20%, अब इसकी डिमांड क्या हो गया 20% बढ़ गया। अगर 20% बढ़ गया ठीक ना, और 20% कम हो गया, इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया गया था, जो परसेंटेज बढ़ता है परसेंटेज इंक्रीज बाई 100, यह हरदम डिक्रीज ही होता है, डिक्रीज होता है। तो 20 का स्क्वायर अपन में 100 यानी 400/100, इसका मतलब क्या होता है 4% डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बस एक बार हम ऐसे कोशिश करते हैं करने की, तो अब 80 रुपये की साइकिल हो गई लेकिन उसका डिमांड क्या हुआ 20% बढ़ गया। तो मान लेते हैं 80 का अगर 20% बढ़ाते भी हैं तो कितना रुपया बढ़ा 16 बढ़ा, तो 16 बढ़ा तभी कितना हो गया 96। एक्चुअल में 4 रुपये का भी लॉस हो रहा है ना, तो लॉस अपन में पहले कितना था 100 था इंटू ये कितना हो गया 4% डिक्रीज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 50। देखिए पहले सारे ब्रैकेट का डिवीजन सॉल्व कीजिए, ये आपको हो जाएगा 5×20, 4×2 प्लस इसको करोगे 8×16, 2×2 प्लस इसको करोगे 5×10 इंटू इसको करोगे 3×5। अब ये आपके पास जो भी बचा है सबसे पहले आप इसमें डिवीजन करोगे 2×4 प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 2×5 10, 10×4=14। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, बोला है असम आप, बोला असम आप 600 अमाउंट्स टू 720 इन 4 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी बिकम इन 4 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%। देखो पहले हम लोग प्रिंसिपल दिया है कितना 600, अमाउंट कितना दिया है 720, एसआई निकाल दोगे अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, 720 माइनस का 600 यानी 120। अब देखो आपको पता है एसआई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो एसआई तो हमारे पास आ गया 120, प्रिंसिपल हमारे पास है 600, रेट हमारे पास नहीं पता है, टाइम पता है 4/100 कट जाएगा, 6×24 24 इसको डिवाइड होगा कितना होगा 5, तो रेट कितना हो जाएगा 5%, रेट हो गया 5%। तो देखो अब बोला है कि अगर इंक्रीज कर देते हैं 2% तो अब रेट न्यू रेट कितना हो जाएगा 5+2 कितना हो जाएगा 7% ठीक। तो एसआई इक्वल टू क्या होगा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल कितना है 600, रेट कितना है 7, टाइम कितना है 4, ये आपका कट जाएगा 6×7=42 में 4 से 1 मिनट। प्रिंसिपल 600, 4 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल इट बिकम 4 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। असम 600 अमाउंट टू 720, देखो एक्चुअल में यहाँ पे आंसर इन्होंने गलत किया है, 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट ये अमाउंट दिया है ठीक ना, अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया इन्होंने यहाँ पे ये ठीक ना, आपका हो जाएगा 4×8 या आपका 6×7=42 4×8=16 168 रुपये आपका क्या हो जाएगा एसआई। अब प्रिंसिपल या आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 168+600 कितना हो जाएगा 768। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत दिया है। एसआई पूछा है कि इफ द रेट ऑफ व्हाट विल बी इट बिकम इन फोर, नहीं नहीं सही है सही है, 768 होगा बिल्कुल राइट आंसर। अ पीस ऑफ वायर इतना मीटर लॉन्ग ब्रोकन इनटू टू पीसेस, वन पीस 5×8 मीटर लॉन्गर देन अदर देन लेंथ, आप लेट करोगे लेट स्मॉलर पीस, लार्जर पीस कितना हो जाएगा x+5/8 और इन दोनों का x+5/8 ठीक, और दोनों को अगर ऐड करोगे तो इसके इक्वल आएगा x+(x+5/8) इक्वल टू कितना हो जाएगा 4×8 8×3=11/4, कि आपका 2x=11/4 -5/8
चार और आठ का एलसीएम आपको पता है कितना होगा, आठ होगा, दो बार जाएगा 22 माइनस एक बार जाएगा 5, 17/8, ये आपका हो जाएगा 17/8 इक्वल टू 2x, ये आपका हो जाएगा 17/16, नी 1/16। आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 53 में, बोला है अ क्यूब ऑफ लीड विद 6 सेंटीमीटर एज इज मेल्टेड टू 27 इक्वल क्यूब, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ इच क्यूब। देखो अगर 6 सेंटीमीटर क्यूब को अगर करते हैं मेल्ट करते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब यानी 6 का क्यूब अपान में, इसने क्या पूछा है द लेंथ ऑफ एज ऑफ इच, 27 में डाटा है बाटा है, इसमें बताना है एक का कितना होगा, एक की लेंथ कितनी होगी। ठीक, तो आप इसको अब क्या करोगे, द लेंथ ऑफ इच स्मॉल क्यूब 27 इक्वल क्यूब में, तो आप एक क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा, एक क्यूब का ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब कितना हो जाएगा 216/27, कटाओगे 8 बार में क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, अब देखो साइड ऑफ वन क्यूब जो मनाने पाएगा, साइड ऑफ वन क्यूब ये वॉल्यूम आपका साइड का क्यूब होता है ना, 2/8, तो साइड कितना हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100, 2100 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 1, 0, 50, 1050 आ गया, 1050, 2 से 5, 525, 5 2 7, 5 12, 3 से 3 1 3, 3 7 1 3, 55, 15, 5 से कटाओगे 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 7 1 7, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 2 3, 5 5 7, 2 2 2 3, 5 5 7, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी। इफ अ रूम ऑफ 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स इतना मीटर 7500 टाइल्स इच इतना मीटर कवर द इंटायर फ्लोर देन द ब्रेथ ऑफ द रूम। देखो एक्चुअल में इन्होंने दिया है इतनी टाइल्स चाहिए, और इफ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर इतना टाइल्स इच इतना, तो एरिया निकाल लोगे, एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल एक टाइल का एरिया निकालोगे हो जाएगा 15 × 12, 12 × 5 = 60, 12 × 12 = 18 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में अगर डिवाइड करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे मीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद देखो ये टोटल 7500 का अगर निकालोगे, एक का इतना आया 7500, इससे इसको क्या करोगे कटा दोगे, 18 × 5 = 90, 18 × 7 = 126, 126 में 9 जोड़ोगे कितना होगा 135, और एक जीरो लगा दोगे अपान में 1, 2, 3, 2, 2, 4, 4, 2 से ये कट जाएगा, हो जाएगा 135/100। अब एक्चुअली में ये जो 135/100 है ये क्या आ रहा है, टोटल एरिया आ रहा है किसका, ईंट का। ठीक, अगर मान लो ईंट का जो जो रूम है अगर उसकी लेंथ 15 है, अब्रित ना मान लेंगे x है, तो इसको अब हमें ऐसे करना पड़ेगा, इसको कटा दो 15 × 7 = 135, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये पर रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स 7500 टाइल्स ईच इतना मीटर, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 18, सही है, और 18 × 5 = 90, 18 × 7 = 126, 125। ठीक, 135, चलो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं 55 वालों को, थोड़ा रुक जाओ आगे नीचे ही करते हैं। द नंबर्स ऑफ टू डिजिट एक्सनोन में इसको देखते हैं, इसको देखो यहाँ पे कुछ हमको जनरली कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है कि एक ईट का हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 मिनट तो पेंसिल ड्रॉ ले ले, एक मिनट मान लो, एक मिनट का हम लोग निकाल सकते हैं एक ईट का कितना एरिया होगा,
जैसे एक ईंट का एरिया यहां से निकाल सकते हो कितना होगा, 15 × 12 यानी 12 × 5 = 8, 1 = 18, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना क्योंकि सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 1800 को क्या करोगे, 180 को 1, 2, 3, 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 1 0 0 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक ईंट का एरिया। हमको कितना ईंट दिया है, 7500 ईंट दिया है, मल्टीप्लाई करोगे 2 0 से 2 0 भी कट जाएगा, 5 × 15 = 75, 5 × 2 = 10, 2 × 9 = 18 यानी 15 × 9 = 135, 135 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, किसका, रूम का एरिया हो जाएगा। और जो हमारा एक रूम का जो लेंथ दिया है कितना दिया है, 15, और ब्रिथ बतानी है तो इसका लिख लोगे एक्स, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रिथ, अब ये 15 इससे डिवाइड करोगे 15 से, तो 15 × 9 = 135, इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए लगाया है क्वेश्चन नंबर 55 का, उसका आंसर बिल्कुल ही क्या है, सही है। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ दिया है क्वेश्चन नंबर 56, देखिए इसमें बोला है द नंबर ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर्स, देखो टू डिजिट की कुल नेचुरल नंबर कितनी हो सकती है, तो हमने बताया टू जितनी की पूछता है टू डिजिट की पूछा है, तो क्या लिखते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट माइनस लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, ये करोगे वन डिजिट, ये हमारे पास फार्मूला होता है, तो दो डिजिट की लार्जेस्ट नंबर 99, वन डिजिट की लार्जेस्ट नंबर 9, यानी कितना हो जाएगा 90, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपसे कभी भी कितनी भी नंबर का पूछता है कितनी संख्या हो सकती है, तो उस संख्या की बड़ी संख्या माइनस का उससे एक कम अंक की बड़ी संख्या माइनस कर देंगे आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दिया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ठीक, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज, जैसे देखो जैसे हमारे पास 86 है, इनका सम कितना होगा 8 × 6 = 14, 14 को इसमें से माइनस कर दोगे, माइनस का 14, 6 में 4 जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा 7, 72 किससे कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन और देखते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, 8 से 14 माइनस किए, 6 में से 4 जाएगा 8 में से, तो 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। एक बार और देखते हैं, मान लो हमने ले लिया 40, 4 + 0 ऐड करोगे 4, इसमें से 4 माइनस करोगे कितना होगा 36, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास नंबर है, जैसे 135 है, 5 × 3 = 8 = 9, इसमें से 9 माइनस करो, इसका सम ऐड करके इसमें से माइनस करो, 15 में से 9 जाएगा 6 और ये बचेगा 126, 6 × 2 = 8 = 9, ये किससे कटेगा, 9 तुम्हारा 9 से कटेगा, ये भी तुम्हारा 9 से कटेगा, ठीक, तो एक 9 और ये जो ऊपर वाला संख्या था 36, ये भी तुम्हारा 9 से कटेगा, ठीक। लेकिन हर केस में देखो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 42, 4 × 2 = 6, इसमें से 6 माइनस करो कितना होगा 36, ये 9 से कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन 8 से और 5 से नहीं कटेगा। जैसे मान लो हमने लिया 48, 8 × 4 = 12 माइनस करोगे कितना होगा 36, ये भी तुम्हारा क्या होगा 9 से कटेगा, तो 9 होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, यानी सबसे पहले इनके मल्टीप्लाई को कर लेना है, 1/3 ब्रैकेट में 7 + 10 और 5 × 2 = 10, 10 में 11 से मल्टीप्लाई करोगे 110 प्लस 13 × 2 = 26, इसको ऐड करो 1/3 ऐड करोगे 110, 26 × 7 = 13 = 133, इसको चाहो 1/13 है सॉरी 10 × 7 = 117, 117 में 26 ऐड करोगे 7 × 6 = 13 = 2 × 3 = 4 = 1, 13 से डिवाइड करोगे 143 आ रहा है, ये आपका 13 × 13 = 13, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इसमें बोला व्हाट इज द सम ऑफ, इसका क्या करना है, सम बताना है, 6.6, 6.06, 6.006, 6.0006, 6.006, 6.006, 6.006, ये देखो ये सॉरी यहाँ पे इन्होंने हमने गलत की गलत लिखा है, ये दिया है 66.6006, इसका 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 फैला करेंगे फिर 6, 6 = 12,
6 6 12 37 24 25 85.266। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 0.0725, पॉइंट हटाओगे तो 725 पॉइंट के लिए 1, उसके बाद एक अंक दो अंक तीन अंक चार अंक, एक अंक दो अंक तीन अंक चार अंक, इसको चाहो तब हमको कटा सकते हैं। 5 एकम 5, 5 5 20, 5 5 25, 5 2 10, यानी कितना आ रहा है 145 बट्टे में 2000। इसको चाहो तो कटा दो, 5 2 10, 5 9 45, 5 5 20, 29 बटे में 400, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? और यार सॉरी, देखो इसको यहाँ पे कितने अंक थे, एक अंक, हाँ 29 बटे 400, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने इसका जो सेकेंड पार्ट मैथ्स का था उसको कम्प्लीट कर लिया है। ठीक, और चलो इसी में हम लोग इसका ये थर्ड पार्ट यानी हिंदी वाले सेक्शन को भी कर लेते हैं। दिया है जैसे ये पैसेज है, पैसेज को हमें पढ़ना है फिर इसके आंसर देना है। दिया है, स्नेक्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रेप्टाइल्स। क्या कहते हैं इसको? रेप्टाइल्स कहते हैं। दिस ग्रुप्स आल्सो इंक्लूड क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स एंड टर्टल्स। स्नेक्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड लेक्स। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्लेस वेयर द ग्राउंड इज फ्रोजन ऑल थ्रू द ईयर। द स्नेक्स हैज वेरी पुअर आई साइट, इट यूजेज इट अदर सेंस टू एस्केप डैमेज एंड फाइंड फूड। सम स्नेक स्मेल विथ देयर नोजेस, स्नेक्स नोजेज, बट मोस्ट ऑफ देम स्मेल विथ देयर टंग्स। द बॉडी ऑफ स्नेक इज कवर्ड विद द स्केल मेड अप ऑफ द लेयर्स ऑफ सेल्स। अ फ्यू टाइम्स एवरी ईयर अ स्नेक शेड्स द आउटर लेयर ऑफ डेड स्किन, द सेल्स अंडर नीथ एट वंस फ्रॉम द आउटर लेयर विच इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द स्नेक। बोला स्नेक्स आर कार्ड, आपको ऊपर दिया है क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स। दूसरा देखिए, दिया है स्नेक्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। दूसरे, स्नेक्स कैन नॉट सर्वाइव इन द फ्रोजन प्लेसेस। स्नेक्स हैव अ पुअर सेंस ऑफ स्मेल, हियरिंग, सेंस ऑफ टच, आईसाइट। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ था। स्नेक्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द फ्रोजन प्लेसेस, लिखा है ये। द स्नेक्स हैज द वेरी पुअर आईसाइट। स्नेक्स का क्या होता है? पुअर आईसाइट होता है, बिल्कुल सही हमने लगाया है। उसके बाद दिया है प्रोटेक्ट द स्नेक फ्रॉम द इंजरी। उसके ऊपर क्या होता है? स्केल। देखते हैं क्या दिया है। बोला है इट यूजेज इट अदर सेंस टू एस्केप डैमेज एंड फाइंड द फूड। सम स्नेक्स स्मेल विद देयर नोजेस बट मोस्ट ऑफ देम स्मेल विद देयर टंग। द बॉडी स्नेक इज कवर्ड विद अ स्केल मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक ना, स्केल दिया है अ फ्यू टाइम्स एवरी ईयर। ठीक ना, तो उसको कौन बचाता है? अगर उसी से कवर होता है तो स्केल ही बताएगा। इसका राइट आंसर स्केल। द वर्ड सर्वाइव मीन्स माने क्या होता है? लिव, जीवित रहना। राइट आंसर इसका जीवित रहना। नेक्स्ट पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया है मिल्क इज द बेस्ट, दिया है मिल्क इज द बेस्ट फूड। इट हैज अ वाटर, शुगर, फैट, विटामिन एंड प्रोटीन्स। पीपुल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द डिफरेंट एनिमल्स। इन इंग्लैंड एंड मेनी अदर कोल्ड कंट्री देयर आर काउ। इन अ हॉट ड्राई प्लेसेस लाइक अरबिया एंड मिडिल ऑफ एशिया देयर आर द कैमल्स। इन इंडिया देयर आर काउज एज वेल एज बुफालो। At many places there are goats. If people keep cow or other animal, they get a lot of milk. From milk, they can make butter and cheese. It is essential that the milk we use should be pure and germ-free. Impure milk does more harm than good to the human body. ठीक ना? देखो दिया है, people drink milk from the animals. Same, different. Like. बोला है ना, अलग अलग जानवर का पीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। इन प्लेसेस देयर आर कैमल्स, कहां पे? हॉट प्लेसेस पे कॉमन कैमल पाए जाते हैं, आपने ऊपर पैसेज में पढ़ा। इफ पीपल कीप एनिमल्स लाइक काउ दे गेट ऑफ मिल्क। इफ पीपल कीप एनिमल्स लाइक काउ, ठीक ना, अगर लोग गाय गाय रखते हैं तो दे गेट ऑफ मिल्क, प्लेंटी होगा। एक बार ऊपर देखते हैं क्या दिया इन्होंने पैसेज में। दिया है देखो, इन इंडिया देयर आर काउ एज वेल एज बुफालो। एट मेनी प्लेसेस द गोट्स। इफ पीपल कीप काउ और अदर एनिमल दे गेट अ लॉट ऑफ मिल्क। अ लॉट ऑफ मिल्क माने बहुत ज्यादा मिल्क, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेंटी होगा। क्या होगा? प्लेंटी माने अधिकार होता है, अधिक होता है, ज्यादा होता है। 69 देखिए, इट इज दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर। बोला है इट इज दैट द मिल्क शुड बी प्योर, ठीक ना, नेसेसरी। इट इज नेसेसरी दैट मिल्क वी यूज शुड बी प्योर, ठीक ना, जो हम लोग यूज करते हैं जरूरी है। कुछ दूध क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए।
ठीक, हार्म मीन्स द सेम एज द, हार्म करना माने डैमेज करना, सही राइट आंसर होगा नंबर सी। ठीक, अगला पैसेज देखते हैं। यह वंस वी विजिटेड अ विलेज वेयर मेनी फैमिलीज वेयर सेलिंग क्ले प्रोडक्ट्स मेड बाय देम, व्हाट अट्रैक्टेड अस मोस्ट, मेड वेयर आर्टिफिशियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेड बाय द सर्टेन फैमिली, वी सॉ एप्पल्स ऑरेंज एंड टोमेटो ऑफ सच अ फाइन शेप एंड कलर्स दैट वी कुड हार्डली डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रियल वंस, दे रिसीव्ड मच प्रेज फ्रॉम ऑल एंड सन्ड्री। दिया है 71 में, देखिए बोला अ सेंटेड फैमिली मेड अप ऑफ क्ले, टेबल्स चेयर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टॉयज एंड पॉट्स पिक। देखिए इन्होंने क्या दिया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये वर्ड देखिए असर्टेन फैमिली। वंस वी विजिटेड अ विलेज वेयर मेनी फैमिली वेयर सेलिंग क्ले प्रोडक्ट्स मेड बाय देम, ठीक, व्हाट अट्रैक्टेड अस मोस्ट वेयर आर्टिफिशियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मेड बाय असर्ट, तो आर्टिफिशियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रूट्स अर्थ या ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, वी कुड हार्डली डिस्टिंग्विश द फ्रूट्स फ्रॉम द रियल वंस, नेचुरल फ्रूट फ्रॉम द आर्टिफिशियल होगा, क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल। द वर्ड सच इज एन, सच क्या है, वर्ब तो है नहीं, एडवर्ब क्रिया विशेष एडजेक्टिव तो है नहीं, कंजक्शन, द वर्ड सच, देखते हैं सेंटेंस में चलते हैं। वंस अ विजिटर वेयर मेनी फैमिली वेयर सेलिंग अ क्ले प्रोडक्ट मेड ऑफ देम, व्हाट अट्रैक्टेड अस मोस्ट, वेयर आर्टिफिशियल फ्रूट्स एंड सच वेजिटेबल एंड वेजिटेबल्स मेड बाई अ सर्टेन फैमिली, वी सॉ एप्पल्स ऑरेंज एंड टोमेटो ऑफ सच फाइन शेप। देखो यहाँ पे ये कंजक्शन है, तो यहाँ ये पास में कंजक्शन नहीं आना चाहिए, पास में ये कंजक्शन नहीं, एंड टोमेटो ऑफ सच फाइन, सच नहीं हो, सच यहाँ पे जो होगा ना ये आपका, देखो कंजक्शन नहीं होगा, एडजेक्टिव भी नहीं होगा, एडवर्ब होगा, क्या होगा, क्रिया की विशेषता बता रहा होगा, देख लेते हैं एक बार, टोमेटोज ऑफ सच, टोमेटोज, टोमेटोज की विशेषता, एडजेक्टिव होगा मुझे लग रहा है, इसका राइट आंसर एडजेक्टिव होगा, ठीक ना, टोमेटो की विशेषता कर रहा है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी, एक बार इसको आप देखिएगा, ठीक ना, अगर गलत होगा तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर मैसेज कीजिएगा। इज द सिनोनिम्स ऑफ डिफरेंशिएट, अलग अलग करना, डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, डिस्टिंग्विश करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिनोनिम्स मैंने उसका परिभाषित पूछा है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, मीन्स द सेम एज ऑल एंड सन्डे, ऑल एंड सन्डे का मतलब होता है स्पेसिफिक एग्जैक्ट एवरीवन फ्यू, एक बार देखते हैं सेंटेंस को पढ़ के, रियल दिया था यहाँ पे, दे रिसीव्ड मच प्रेजेस फ्रॉम ऑल एंड सन्डे, माने ऑल पीपल वहाँ पे जितने भी लोग होंगे, कन्फ्यूज नहीं, स्पेसिफिक एग्जैक्ट एवरीवन, राइट आंसर ऑल एंड सन्डे माने एवरीवन, जो भी देखता था उनके क्या करता था, प्रेज करता था, इसीलिए राइट आंसर इसका एवरीवन। देखते हैं लास्ट पैराग्राफ दिया है, इट वॉज अ संडे, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड्स, देयर वॉज ए पॉन्ड नियर बाय, हरीश वॉन्टेड टू स्विम, ही जम्प इन टू द पॉन्ड विद द स्प्लैश, एट द अदर एंड ऑफ द पॉन्ड देयर वेयर अ फ्यू डक्स इन द वॉटर, हरीश स्वैम हैप्पीली एंजॉइंग द मिल्ड माइल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर, सडनली ही हियर्ड अ लॉर्ड नॉइज एंड द वॉटर स्प्लैश्ड, ही लुक्ड ऑल अराउंड टू सी इफ समवन हैड डाइव्ड इन टू द पॉन्ड, ही कुड सी नो वन, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज क्लास फेलो फ्रेंड्स, दिया है ना किसके साथ गया था, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड्स, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 में था, हरीश जंप इन टू द पॉन्ड टू चेस द डॉग्स, टू हैव अ बाथ, टू स्विम, टू कैच द फिश, देखते हैं, इट वॉज अ संडे, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड्स, देयर वॉज अ पॉन्ड नियर बाय, हरीश वॉन्टेड टू स्विम, ही जंप इन टू द पॉन्ड, क्या, स्विम करने के लिए, किसके लिए, हरीश जंप इन टू पॉन्ड टू स्विम। 78 देखिए, द वेदर वॉज वेरी हॉट, जस्ट वार्म, वेरी कोल्ड, कूल, देखते हैं पैसेज में चलते हैं, एट द अदर एंड द पॉन्ड देयर वॉज अ फ्यू डॉग्स इन द वॉटर, हरीश स्वैम सम हैप्पीली एंजॉइंग द माइल्ड सन एंड द कोल्ड वॉटर, सडनली ही हियर्ड अ लाउड नॉइज, ठीक अराउंड, इतना, इट वॉज संडे, थोड़ी गर्मी होगी, अ फ्यू डॉग्स स्टूड वेरी हॉट, जस्ट वार्म, वेरी हॉट, वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं थी, ठीक ना, थोड़ा वार्म था, जस्ट वार्म, हु एल्स वाज देयर इन द पॉन्ड, अ फ्यू डॉग्स, टू बॉयज, हरीश पॉन्ड, फिशरमैन, देखते हैं एक बार, हु एल्स, कौन था जो वो किया था, हरीश स्वैम हैप्पीली एंजॉइंग द मिल्ड
माइल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर। सडनली ही हर्ड अ लाउड नॉइज एंड द वाटर इज प्लेस्ड। ही लुक्ड ऑल अराउंड टू सी इफ समवन हैड डाइव इनटू द पॉन्ड। देखो हो सकता है डॉग की, डॉग ने क्या लगाया था, वो गत्ता लगाया हो, अंदर गया हो, तो डॉग हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डाइव ऑफ अ फ्यू डॉग्स टू बॉयज हरिस। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 80। देखिए द वर्ल्ड डाइव मीन्स द सेम, क्लाइंब नहीं होगा, जंप नहीं होगा, फेल होगा, स्लिप। क्लाइंब डाइव का मतलब होता है जंप करना, मान लीजिए एक टाइप से। फेल FELL फेल माने होता है, डाइव मीन्स क्या होता है? डाइव का मतलब हो जाएगा आपका, डाइव मीन्स स्लिप्ड, डाइव। जंप करना तो होगा नहीं, क्लाइंब होगा नहीं, ठीक ना। डाइव करना मैंने डुबकी लगाना, स्लिप्ड करना नहीं। इसका फेल चलते हैं, देखते हैं इसको, इसका क्या होगा, एक बार कोशिश करते हैं इसको देखने को, ठीक ना। तो ऐसे इसका राइट आंसर अभी हम लोग रखते हैं फेल, ठीक। ठीक था, इस वीडियो में हमने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने जनरली कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई आंसर गलत हुआ हो तो उसका जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए क्या, ठीक। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।